जी। ओ भैया, हंटू, छाने नौरन की का मजबूरी रही हुई है? छुजी भोले लोग छातरे की गलत राह पे चल रहे, इन्हें ना चल के समझा दे। अरे का कर रही गुड़िया मौसी, ये लोग समझ में बालन में से नहीं है, हमें पता है। चल के नाना नानी जी को बता देते, वो लोग इन्हें हैंडल कर ले। भी सही है। का होगा बाबूजी? हमें ऐसा लग रहा जैसे हमारे घुटने के नीचे जान ही नहीं बची। अरे कैसे चले? अब्बू क्या बताएंगे यार घर पे? उससे बड़ी बात गुड़िया को क्या बताएंगे? कैसे बताएंगे कितने खुश लग रही थी यार। बाबूजी, अगर ये सारी बात अपन लोग गुड़िया पर आने ही नहीं दे तो? हमें फंसाने की चाल चली है ना, उन सबको बाको फल मिलना चाहिए। बाबूजी, अपन लोग ना इन सारे मामले में पापा जी को इन्वॉल्व करते हैं। जिस दिन वो मोड़ा शादी करके मंडप से भाग रहा होगा ना, उसी दिन रंगे हाथों उसको पकड़ के इधे अपने घर में बना के रखेंगे उसे। तुम्हारा दिमाग खराब होगा उसका पप्पू, कछु भी बोल रहा है यार। अपन ऐसे लोग हैं का? हाँ सख सही है, तो सेटिंग बढ़िया बनाई बेटा तूने, पर हमने आपकी पूरी बात सुन ली भाई साहब। अब उन्हें जो अपनी गुड़िया किला ने चक्रव्यूह बनाओ ना भाई, चक्रव्यूह में फंसा के उन्हें मजा चखाएंगे। अब उन्हें शादी करनी पड़ेगी, और करनी नहीं पड़ेगी, निभानी भी पड़ेगी। देख लो कहेगी, हम तो ऐसी स्थिति में है नहीं कि कुछ सोच पाए कह पाए, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। स्पेशल उपटन बना के लाए तुम्हारे लाने, जैसे तुम्हारे फेस की जो मेहंदी भी उतर जाए है, और शाम तक तुम खूब अच्छी छटा बिखेर हो। बैठ जाओ। बड़ी देखो, अभी तक सुबह शाम उठते बैठते एक ही प्रार्थना करते भगवान जी से कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम विदा हो जाओ। अब तुम्हारी शादी हो रही है तो कलेजा जी को आ रहा है। ऐसा लग रहा है मोड़ी जैसे जैसे हमारी सांसे कोई हमसे छीनने वाला है। लल्ला देवी, लल्ला देवी, कितना नहीं जा रही तुम्हारी सास, इतनी रहेगी तुम्हारे साथ। आओ। 100% दामाद जी घर जमाई बन के रहेंगे इतना ही। भैया, ज्यादा खुशी की बात तो कुछ और हो ही नहीं सकता। Thank you.
दीदी जल्दी सामान पैक करो, यहाँ से निकलना है। अरे उठो ना। अरे 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 कुछ नहीं अम्मा, जाओ जाके कपड़ा लेके आओ, निकलना है यहाँ से जल्दी। पर अपन को तो शादी के बाद निकलना है ना। अरे शादी के बाद तब निकलेंगे ना जब यहाँ से हमको जाने देंगे। कहना क्या चाह रहे हो तुम? अरे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग प्लान बना के बैठे हुए हैं कि शादी के बाद हमको यहीं रखेंगे घर जमाई बनाकर। का? अरे का नहीं यहाँ। और जो ये इनके फैमिली में जो पुलिस वाले हैं ना, इनके इरादे हमको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। पर तुम? अरे परवर छोड़ो, हम उतारे के लिए दीदी हम कोई और लड़की देख लेंगे, लेकिन अब भी तो निकलो पास कह रहे हैं। दो कपड़ा दो से अम्मा, जल्दी करो प्लीज। दो बस चलो, उसे बाद में कर लेंगे। जहां अपराध वहां अपराधी, और जहां अपराधी वहां चुन्नी लाल कनकन है। शहर की कानून व्यवस्था हमारे कंधों पर रहता है, हमारी मर्जी के बिना ना कोई आ सकता है और ना जा सकता है, का समझे? और भैया तुम का देख रहे हो, बिना रिएक्शन के गेट पर लगाओ ताला। कहा है कि किसी ने कहा है, हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आओ और आप लोग करो विश्राम, कहा है कि बाहर तो हम तैनात हैं बिना चिंता के। गुड़िया मौसी, अबे भी मौका है, चल के बता देते सबको। वाह बंटू, देख नहीं रहे तुम, सब अरे कितने खुश हैं। नहीं बताने, और हमें ना विशाल जी की बहुत ही चिंता हो रही है कि उन्हें हमारे संगे अपनों जीवन व्यतीत करने ही नहीं आता, और फिर भी उन्हें हमारे संगे जीवन व्यतीत करने पड़े। गुड़िया मौसी सही कहते नानी जी, पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी हो। उसका ही नहीं लग रहे, पता नहीं उड़िया मौसी। आ जाओ बेटा, आओ तो। मन ठीक है? अरे भाई साहब, हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा यार, ऐसे मोड़ा के साथ अपनी बुढ़िया की शादी नहीं कर सकना। फिर वही बात हो गई यार। यार भाई साहब, अपन सबों ने मिलकर एक बात तय करी ना, तो हमें सेकंड थॉट आ कितने से हो। भाई साहब मैं जब आपको तय करूंगा, निश्चित करूंगा जब आप कि अपनी बुढ़िया खुश रहे, तो हमारा निवेदन है कि मन से संशय जो है आप हटा दो, है ना? काम पे लगो भैया। समधी जी तनक सुनियो। हाँ आ गए। ओ भैया, बाऊजी आपको क्या होगा, ऐसे मुंह लटका के कर बैठे हो? तो आज शादी हो जाएगी मोड़ी की, नए रिश्ते बनेंगे। रिश्ते की मिट्टी में हमेशा सच्चाई, समर्पण, ईमानदारी और प्रेम के बीज ही डाली हो, है? तभी अपने जीवन को सुंदर और सच्चा बना पाओगी। ओ भैया देखो, ज्ञान चंद बैठे बैठे अभी भी बिचारी को लेक्चर पिला रहे हैं, तो मैं कब पीले चावल दें कि हेल्प कर दो, आके बहुत काम पड़ो है। आ रहे, हमारी बात ध्यान रखना बेटा। हाँ बाबूजी। ओ भैया, हमारी शादी की मिट्टी में तो छूट के बीच पड़वे वाले हैं, तो हमें फल सच्चे कितने से निकल हैं।
आओगे बाबूजी? खाओगे? नहीं, कुछ नहीं। अरे ऐसा नहीं करो पापा जी। मुस्कुराइए दामाद जी, आप सीपीडी में हैं। फोन की चिंता मत करो, हम आप सुरक्षित। बैठ बैठ जाओ। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धो कावेरी जलाश्विन सिन्धिं कुरु। ओम अपवित्रो पवित्रो वा यथावस्था गतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्ष ओम आभ्यन्तर शुचि। ये जो शादी हो रही है ना, भाई रुकवा दो किसी तरह से। हमारी मोड़ी की शादी पर रोकने के लाने कह रहे आप? बाबूजी, जेका कह रहे हैं? बाकी शादी कैसे मोड़ा से कर रहे? जो प्रेम तो किसी और से करत है, पर अपने किसी दोस्त के उतारे के खातिर हमारी मोड़ी से शादी कर रहा मैं। सिखला जोरा पप्पू। तुम जानत थे बाकी बाद भी अपनी मोड़ी की शादी जब मोड़ा से होने दे रहे थे। बाबू काकी, बाबू जी, पंडित जी रुकिए, ये ब्याह नहीं हो सकता। मोड़ी उठो उठो उठो। यप गुड़िया कितने हैं? इतने हैं हाँ। एक तरक दूँ, तरक दूँ, तरक दूँ, तरक दूँ, तरक दूँ। ओ भैया, आओ जी, हमारी और हमारे भोले चाचा जी की प्लानिंग आ है। हमसे जब बाबूजी ने कही कि रिश्तों की मिट्टी में झूठ के बीज नहीं डालना चाहिए, तब हमने नन्हे चाचा जी को बताई तो चाचा जी बोले कि हाँ गुड़िया, बिल्कुल ऐसा ही हुई है। पर सब और उनको सबक सिखा के सबको माफ करियो यार भाई साहब, सबके सब गुड़िया की शादी के लाने ऐसे मरे जा रहे थे कि जैसे शादी नहीं भाई ना तो प्रलय आ जाए वो कोई। नहीं नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताओ। सही कह रहे हैं भाई साहब आप, पर क्या करते, एक प्रेशर रहते दुनिया को समाज को, मोड़ी की शादी कर दो, मोड़ी की शादी कर दो। आओ दिख रहा है सामने कि मोड़ा वाले गलत हैं, पैसे मांग रहे हैं, गहने मांग रहे हैं, पर मन में एक ही बात चलत, किसी तरह से मोड़ी की शादी हो जाए, मोड़ी विदा हो जाए बस। विशाल, तुम तो आज के समय के हो भाई, पढ़े लिखे हो,
फिर इन सब चक्करन में कैसे पड़ गए? वो क्या कह रहे थे विशाल तू कि जे सब कछु तुमने अपने प्रेम को पाने के लाने करो? बेटा अपने प्रेम पे भरोसा करो, फिर देखो दुनिया को कोई दोस्त तुम्हारो कछु नहीं बिगाड़ सकत। टाइम मिला हुआ है ना खूब, जब इसे हमें सोचने के लाना है हवालात में। हाउ गुड सजेशन, अब हमें का देख रहा है, हमारा ऑर्डर है, लेके जाओ बिना रिएक्शन। वैसे आज ना हमें भी आप और उनको कछु बताने हैं। हमने सैकड़ों मोड़ा इतने से भगाए हुएंगे, हमारा जन्म बस शादी भर कर बेके लाने तो नहीं भाव है ना? हमारा जन्म तो सा सुंदर आंगन के सुंदर मन वाले लोगन के साथ रह बेके लाने भाव है। और वैसे भी अब हमारे भोले मन को क्या पता कि पाए खुशी शादी करके मिल रही या फिर बिना शादी के। ओ भैया जल्दी बाहर निकलो, मुतई दुनिया बसा ले का। ओह का यार पप्पू, इंसान चैन से बैठ भी नहीं सकता अंदर, बता। आप लोगन को पता है सुंदर कहानियां कौन सी होते जिन्हें सुनबे देखबे के बाद और सुनबे देखबे की प्यास जगत है, है? अब जा कहानी को हम इते विराम दे रहे हैं, अभी के लाने अलविदा उन सभी लोगन को जिनने हमारे संग हमारे आंगन में बाथरूम की लड़ाइयां लड़ी है। हाँ। अलविदा उन सब लोगन को जो हमारे साथ कायजू कायजू करके भगवान जी की जान खात आ रहे थे कि कायजू हमारी मोड़ी की शादी काहे नहीं करवा रहे, काहे नहीं करवा रहे। बुआ जी चाय। हाँ। अलविदा उन सभी को जो हमारे साथ साफ साफ देख पा रहे थे कि हम मूर्खन की टोली के साथ रह रहे हैं और फिर भी इतने से निकलने को नाम नहीं ले रहे। उन सभी लोगन को जो हमारे साथ चाय में बिस्कुट डुबो डुबो के अपने बेचारे मुंह से इतने सारा काम करवाते आ रहे थे। अलविदा उन सभी लोगों को, अरे जो हमारी तरह सभी को घर में खुश रखने के लाने जीवन जीते आ रहे थे कॉन्स्टिपेटेड फेस बना के। अरे अरे जो मत अलविदा, अलविदा उनको जो हमारे साथ हमारे दिल के राज जानत थे। की धुन के साथ उनके दिल भी वैसी धड़कत थे जैसे हमारा दिल धड़कत था। भाई साहब अंदर ही आ जाए। हाँ आ रहे भाई साहब। अलविदा उनको जो मनी मन हमारे साथ खुद को थानेदार साहब की जगह देखने को बेताब थे। अलविदा, अलविदा उन सभी को जो हमारे साथ साथ जय सवाल के साथ जी रहे थे कि हमारे मम्मी पापा ने हमें तो परमानेंटली काय छोड़ दो। अलविदा उन सभी लोगन को जो हमारी दिखाई बहुत ही सुंदर दुनिया में जीते चले आ रहे थे और हमारे साथ ही सीख रहे थे कि तमाम नफरतों और दुखों के बाद भी प्रेम और हंसी तो है जिन्हें अबे तक जब भोली दुनिया को बचाए रखो है और आगे भी बचाए रखेगी। कुछ लोग होंगे जिनको हमारे जाने का दुख होगा, उनके लाने
बड़ी मीठी अरे बुलेट हो गया अरे फटाफट फटाफट हम औरन को मन आप औरन के लाने ओ भैया जे नहीं सोचियो कि हम और इतने से परमानेंट लिया जा रहे हैं हम और कब भी फिर से आ सकते हैं आप औरन की जान खावे के लाने ओ भैया तुम जो ना कर